चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, प्रशांत किशोर के साथ चर्चा और प्रेजेंटेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 बनाया था और उन्हें कांग्रेस पार्टी से जुड़ने और एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए कहा था। सुरजेवाला ने कहा, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के ऑफर को ठुकरा दिया। हम उनके प्रयास और सुझाव की सराहना करते हैं। सुरजेवाला के स्पष्टीकरण से यह तय हो गया कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वहीं बीते कुछ दिनों से जारी राजनीतिक सुगबुगाहटों पर भी इससे विराम लग गया है। हालांकि पीके पर कांग्रेस का रवैया भी तारीख पर तारीख वाला ही रहा। पीके की कांग्रेस में एंट्री के सिलसिले में 8 सदस्यों की समिति गठित की गई थी। इसने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंपी। बावजूद इसके पार्टी पीके पर फैसला नहीं कर पा रही थी।